हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू डेट में। तो आज के इस न्यू डेट में आप सभी को बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप लोग सीटेट एडमिट कार्ड 2024 को आप लोग कैसे चेक कीजिएगा, कहाँ से चेक करना है, साथ ही आप लोग को कहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा ताकि अपने एडमिट कार्ड को ईजिली क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को डायरेक्ट लिंक से यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और चेक करके बताने वाले, जिसका एग्जाम आप लोग को 7 जुलाई को लिया जाएगा। तो चलिए कैसे चेक करना, कैसे डाउनलोड करना आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई से ब्राउजर को ओपन करना और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना ताकि आप सभी का एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाए। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप लोग को क्या सर्च करना आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सिंपली से यहाँ पर हिंदुस्तान जॉब्स नेट HINDUSTAN हिंदुस्तान JOBS जॉब्स NET लेकर आपको सर्च करना है। जैसे आप हिंदुस्तान जॉब्स नेट लेकर सर्च करते हैं, जब फर्स्ट में आपको लिंक दिखेगा hindustanjobs.net, आपको इसी पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करेगा इस तरह से यहाँ पर साइट ओपन हो जाएगा। तो आप लोग को नीचे आना, जैसे नीचे आएंगे तो आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा सीटेट एडमिट कार्ड 2024। तो आप लोग को इसी पर क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करेगा इस तरह से यहाँ पर साइट के पास ओपन होकर आ जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट यहां पर देखने को मिल जाएगा सीटेट एग्जाम एडमिट कार्ड 2024 के रिगार्डिंग जो भी यहां पर अपडेट, यहां पर आप लोगों को अपडेट के एक बार क्या करना, रीड कर लेना। रीड करने को आप लोग आप नीचे आएंगे तो आप लोग को एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा, कौन से डेट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो 7 जुलाई के डेट में आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर ऑफिसियल साइट का लिंक यहाँ पर फॉरवर्ड किया गया है, यहाँ से भी आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम आप लोग को डायरेक्ट लिंक से बता रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डायरेक्ट लिंक होगा आप सभी को यहाँ पर इंपोर्टेड लिंक का सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड के आगे जो क्लिक का ऑप्शन दिया गया आपको इसी पर क्लिक करना है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या चेक करने के लिए। जैसे क्लिक करेगा इस तरह से जो ऑफिशियली साइट होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली से आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है। यहाँ पर अपना डेट मंथ ईयर ऐसे करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आपको दिखेगा इस सिक्योरिटी पिन को आपको इसमें यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद लॉगिन पर ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को यहाँ से चेक कर लेना और डाउनलोड कर लेना। जाइए अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हमेशा लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।